दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक केयर पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलजी के माइक्रोवेव MH2044DB की। माइक्रोवेव प्लस ग्रिल मॉडल है ये। कैविटी की बात करें तो इसमें पाउडर कोटिंग की कैविटी आती है जी, और हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। जब आप माइक्रो मोड यूज़ करोगे तो उसमें आपने कांच के, प्लास्टिक के, चीनी मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए क्या है, इसमें स्टार्ट बटन प्रेस करोगे तो 30 मिनट के हिसाब से, ये 30 सेकंड के हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा। जितनी बार भी आप प्रेस करोगे 30 सेकंड ऐड होते जाएंगे। स्टॉप और क्लीन में आप प्रेस करोगे तो रुक जाएगा प्रोग्राम जो चल रहा है। दोबारा से स्टार्ट करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम जहाँ से बंद हुआ था। दो बार प्रेस करोगे तो प्रोग्राम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप सीधा टाइम देकर भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने 10 मिनट का टाइम दे दिया, दो बार प्रेस करोगे तो 20 मिनट का टाइम हो जाएगा। 1 मिनट के हिसाब से यहाँ से टाइम बढ़ जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड के हिसाब से टाइम यहाँ से बढ़ जाएगा। स्टार्ट करोगे तो फुल पावर लेवल पर स्टार्ट होगा। वही सेम है बंद करने का तरीका। एक बार प्रेस करोगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा, दो बार प्रेस करोगे तो प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें माइक्रो दिया हुआ है। इसमें क्या है कि प्रेस करोगे तो ये फुल पावर लेवल पे 100% पे चलेगा, 700 वॉट लिखा। फिर प्रेस करोगे तो ये 80%, 60%, 40%, 20%, कितने परसेंट पे आपने चलाना है टाइम दे दीजिए, कितने टाइम के लिए चलाना है और स्टार्ट कर दीजिए। इसमें क्या होगा, पावर लेवल सेट करने से क्या होता है कि आपका कुछ चीज़ बना रहे हो तो बॉयल होके बाहर नहीं गिरती है अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो। जैसे कि हम गैस में कम कर देते हैं अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो बॉयल होकर पानी उसका बाहर नहीं गिरता है। ग्रिल का कोई टेम्परेचर नहीं, प्रेस करोगे तो ग्रिल लिखा आ जाएगा। जितने टाइम के लिए जाना टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ग्रिल में आपने ये ग्रिल स्टैंड यूज़ करना है, ये वाला यूज़ होगा। कोई केक वगैरह कुछ बना रहे हो तो इसके ऊपर ही रखेंगे, पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हो तो इसके ऊपर ही आएगा। जैसे केक को हमने ब्राउन करना है तो वो भी इसके ऊपर ही रखेंगे। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन दिए हैं, कॉम्बिनेशन 1, 2, 3। कॉम्बिनेशन 1 में अगर आप चलाते हो तो माइक्रोवेव वो 60% पे चलता है। कॉम्बिनेशन 2 में माइक्रोवेव है जो 40% पे चलता है। कॉम्बिनेशन 3 पे माइक्रोवेव है जो वो 20% पे चलता है। ग्रिल फुल पे रहती है तो इसको आपने जब भी कॉम्बिनेशन चला दिया जो सा भी चलाना है उसके बाद टाइम दे देना है, स्टार्ट कर दे देना है। इसमें बस इतना ही है। उसके बाद इसमें ऑटो मेनू दिया हुआ है, जैसे इंडियन रसोई, 24 आवर्स, हेल्थ प्लस, यूनाइटी कॉर्नर। इसमें आपको क्या है, इसमें कोड आएंगे, जैसे कि देखिए ये, जैसे कि आप इंडियन रसोई पे कर रहे हो तो इसमें कोड आ गए जो, जैसे C1 गाजर का हलवा, ठीक है जी। अब गाजर का हलवा C1 पे आ गया तो इसमें आपने क्या करना है, इंडियन रसोई में जाना है, ठीक है जी। इंडियन रसोई में गए, C1 आ गया तो यहाँ से आपने बता देना कितना उसका वेट है, स्टार्ट कर दोगे टाइम अपने आप ही ले लेगा। एक बार फिर हम करते हैं, जैसे कि सेकंड नंबर है मिक्स वेज, प्लस के करके आप बताओगे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है जी। तो इसमें आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, टाइम अपने आप ही ले लेगा। सेम चीज़ 24 आवर्स में भी है, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाते हो उसमें क्या है कि आप कितने ग्राम है स्टार्ट करोगे तो टाइम अपने आप ही ले लेगा। अब इसमें क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में, सी जो आप, तो कॉम्बिनेशन जो अपने ऑटो मेनू है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि 24 आवर्स जो है ब्रेकफास्ट है, और ये BF2 BF3 ऐसे सारे कोड दिए हुए हैं, आप उस हिसाब से ये बना सकते हो। जैसे आप स्नैक्स बना रहे हो SN1 पाव भाजी, तो यहाँ पे आपने जाना है, इसको प्रेस करते रहना है तो ये SN1 2 3 ये जितना भी आ रहा है, जैसे जैसे हम SN1 पाव भाजी है 100 ग्राम 200 ग्राम, स्टार्ट करोगे तो टाइम अपने आप ले लेगा। सेम हेल्थ प्लस में भी सेम है। यूटिलिटी कॉर्नर में क्या है, इसमें आपके कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है। जैसे आप कीप वॉर्म है, इसमें कीप वॉर्म में क्या होता है कि आपने कोई चीज़ गर्म रखनी है तो इसको प्रेस कर दो, कितने ग्राम है उसको स्टार्ट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो टाइम चलती रहेगी। इसमें क्या होता है कि माइक्रो कम टेम्परेचर पे चलता है जिससे चीज़ गर्म रहती है, पकती नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए गर्म रहती है। स्टीम क्लीन में आप क्या करोगे,
बॉईल ले लोगे, उसमें पानी डाल दो, थोड़ा नींबू निचोड़ दो, तो उसमें स्टार्ट कर दोगे तो अंदर मॉइस्चर बन जाएगा, तो आप उसको एक तो उसमें फ्रेगनेस आ जाएगी, दूसरा आप उसको साफ़ कर सकते हो, ठीक है। डिफ्रोस्ट वेज है, जैसे मार्केट में फ्रोजन चीज़ें मिल गई, डिफ्रोस्ट करना है आपने, वेजिटेबल्स ऐसे होती हैं, तो उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए डिफ्रोस्ट वेज कर सकते हो। डिफ्रोस्ट नॉन वेज में आप नॉन वेज को कर सकते हो, ठीक है। यही सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो कि आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि आपने आपने ये प्री कीप वार्मिंग के लिए है, तो ये पूछ रहा है, सीधे स्टार्ट कर देना है इसमें, 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट के लिए आप गर्म करके रख सकते हो। अब इसको 2 बार प्रेस करोगे तो कीप वार्म पे चले गया, स्टार्ट कर दोगे टाइम अपने आप ही ले लेगा, इसी हिसाब से ये चलेगा। लास्ट में इसमें क्या है, एनर्जी सेविंग का है, प्रेस कर दोगे तो ये इसकी LED डिस्प्ले भी बंद हो जाएगी, अगर आपने एनर्जी सेविंग करनी है, 2 बार दूसरी बार प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगी। इसी में इतना ही है कि इसमें आप इस माइक्रोवेव में आप कुकिंग कर सकते हो और ग्रिलिंग कर सकते हो। आपको अगर हमारी डेमो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।